तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं कांगड़ा बाईपास की, जहां पर एक प्राइवेट बस जिसका नंबर है HP 68A 2356 और जिसकी एक बाइक के साथ भिड़ंत हुई है और भिड़ंत इतनी जोरदार है जैसे कि आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि बाइक जो है बिल्कुल बस के नीचे जा घुसी। और जिसके बाद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने बताया है कि आपस में काफ़ी ज़ोर से टक्कर हुई है और जो बाइक का नंबर है HP 40C 5264। तो जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूँ, लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई जा रही है कांगड़ा बाईपास से, जहां पर प्राइवेट बस है ये और बस का नंबर है HP 68 2656, जिसकी भिड़ंत जो है एक बाइक के साथ हुई है और बाइक ये है बजाज की पल्सर जिसका नंबर है HP 40C 5264। और काफ़ी ज़ोरदार भिड़ंत हुई है, प्रत्यक्षदर्शी जो है इनसे बात करेंगे और बात करके इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला रहा और किस तरह से ये हादसा हुआ था, कैसे ये आपस में टक्कर हुई। बंदा ठीक है? तो यहाँ पर एक हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं, भाई हैं हमारे साथ, ये मौजूद हैं, इनके सामने हादसा हुआ है। भाई नमस्कार, आपका नाम बताओ। भाई ये जो हादसा हुआ है बाइक और बस की टक्कर हुई है, कैसे हुआ ये और क्या कुछ देखा आपने? पता नहीं, आके देखा कि एक्सीडेंट हुआ था। कितनी देर पहले हुआ ये हादसा? डेढ़ घंटा पहले। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह पहुँच कर, तो जो बाइक सवार है उसकी हालत ठीक है? नहीं है, कैसे हैं वो? दूर से देखा ठीक थी। तो ले गए उनको? ले गए, टांडा ले गए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं भाई हैं, इन्होंने बताया कि ये जो हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर जो बाइक टकराई बस के साथ, उसके बाद जो बाइक सवार है उसको उपचार के लिए फौरन जो है टांडा मेडिकल अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है, वहाँ पर ले जाया जा चुका है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर आई हुई थी और पुलिस द्वारा मामला जो है यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई थी। तो जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूँ, लाइव तस्वीरें जो है इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं कांगड़ा बाईपास, जहाँ पर बस और बाइक में काफ़ी ज़ोरदार टक्कर हुई है। टक्कर इतनी खतरनाक है जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी बुरी तरह से बाइक जो है वह बस के नीचे जा घुसी और जो बाइक सवार है काफ़ी ज़्यादा, जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बाइक सवार है घायल हो चुका है। हालांकि उसको घायल अवस्था में टांडा मेडिकल अस्पताल, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ले जाया जा चुका है। कांगड़ा बाईपास का जो बनेर खड्ड है, बनेर खड्ड के साथ बिल्कुल जो बनेर खड्ड है ये कांगड़ा बाईपास की, इसके बिल्कुल साथ लगता ये जो रोड है ये कांगड़ा बाईपास है और यहाँ पर बाइक और बस में भिड़ंत हुई है, टकराव हुआ है आपस में और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए और बाइक जो है बिल्कुल बस के नीचे जा घुसी, जिसके बाद जो बाइक सवार है उसको काफ़ी जैसे कि बताया जा रहा है चोटें आई हैं। भाई एक और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात जरूर करेंगे। और भाई नमस्कार, आपका नाम बताओ। नाम बताओ आप। विनोद कुमार। भाई ये हादसा हुआ तो कैसे आपने देखा, कैसे हादसा हुआ, क्या क्या कुछ पूरा मामला था? जब मतलब घुसे हुए थे बाइक के, तो कितने सवार थे बाइक के ऊपर? दो थे। ठीक थे दोनों? ठीक थे या फिर? दोनों ठीक हैं। तो उनको कितनी देर में पहुंचा दिया गया हॉस्पिटल, कितनी देर बाद ले जाया गया था? आधे घंटे बाद टांडा। टांडा ले जाया गया। पुलिस यहाँ पर आई थी मौके पर? बाद में आई। कितनी देर बाद आई थी पुलिस? 15-20 मिनट बाद। तो पहुँचाया किसने? स्थानीय लोगों ने? एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर, उसके बाद पुलिस आई है यहाँ पर, मौका हादसा होने के बाद पुलिस आई है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जब हादसा हुआ तो हादसे के करीब करीब लगभग आधा घंटा, जैसे कि उन्होंने बताया कि आधे घंटे बाद जो है बाइक सवारों को, जो कि दो बाइक सवार थे, इस बाइक पर सवार थे और दोनों को घायल अवस्था में टांडा अस्पताल में जो है वे घायल अवस्था में ले जाया गया और उसके बाद उसके कुछ देर बाद यहां पर जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यहां पर पुलिस पहुंची थी। कांगड़ा बाईपास के साथ लगता जो बनेरखंड के साथ ये कांगड़ा बाईपास रोड है और यहां पर एक हादसा हुआ है बाइक के, बिल्कुल आप देख सकते हैं बाइक के परखच्चे इस वक्त बिल्कुल परखच्चे जो है बाइक के फूट चुके हैं और
बाइक जो है बस के नीचे अचानक बस के नीचे जहाँ खुशी ऐसा लग रहा है कि संतुलन जो है वह बताया जा रहा है कि बाइक सवार जो थे जैसे कि जो प्रत्यक्ष दर्शी हैं से जब पूछा कि तो उन्होंने बताया कि जो बाइक सवार थे गलती उनकी बताई जा रही है कि शायद वे ओवर स्पीड पे थे और उसके बाद ये हादसा जो है वह पेश आया है। तो जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी आपको एक बार फिर से दे दूँ, जानकारी जो है इस वक्त आपको दिखाई जा जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कांगड़ा बाईपास जो बनेरघट है बनेरघट के साथ जो रोड है बाईपास रोड है वहां की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। एक निजी बस जिसका नंबर है SP 68A 2656 जो कि निजी बस है प्राइवेट बस है ये और एक बाइक जिसकी आपस में भिड़ंत हुई है HP 40C 5264 जो पल्सर है बजाज पल्सर बाइक है ये और दो युवक इसमें सवार थे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इसमें सवार थे और घायल अवस्था में जब यह हादसा हुआ तो उसके करीब करीब लगभग आधे घंटे के बाद जो है घायल अवस्था में इनको टांडा मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया और पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई थी 15 लगभग उन्होंने बताया कि हादसा होने के लगभग जब उनको ले जाया गया उसके बाद 15-20 मिनट बाद यहां पर पुलिस पहुंची थी मौके पर। तो काफ़ी लंबी यहां पर लाइन लगी हुई है चूँकि बस जो है बिल्कुल बीचों बीच यहां पर लगी हुई है और बाइक जो है बाइक बस के नीचे जा घुसी और जो वाहन बाइक चालक थे बताया जा रहा है कि उनको काफ़ी चोटें आई हैं। तो देखिए लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है कांगड़ा बाईपास बनेरखड के साथ लगता है ये रोड है और यहां से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। हादसा हुआ है यहां पर एक बाइक HP 40C 5264 पल्सर बाइक है ये और दो युवक इसमें सवार थे बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने ये हादसा होते हुए देखा है। दो युवक इसमें सवार थे और बताया जा रहा है ओवर स्पीडिंग थी ओवर स्पीड से आ रहे थे और ये ओवर स्पीड के होने के बाद ओवर स्पीड होने के चलते यह हादसा जो है वह पेश आया है और उसके बाद ये बस जो निजी बस है SP 40A 2656 यह बस है और इनके आपस में भिड़ंत हुई और भिड़ंत होने के बाद दोनों युवक घायल हुए। घायल अवस्था में युवकों को करीब करीब आधे घंटे बाद यहां से टांडा मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद यहां पर पुलिस जो है 15 मिनट बाद यहां पर पुलिस पहुंची थी जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है। सड़क के बीचों बीच बस जो है वह यहां पर रुकी हुई है और अभी तक इस बस और जो बाइक है इसको यहां से अभी तक नहीं हटाया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग हादसा हुए को लगभग एक घंटा हो चुका है। तो एक और भाई है हमारे साथ इनसे बात करेंगे और प्रयास जरूर करेंगे जानने का कि क्या कुछ कैसे ये हादसा हुआ और कैसे। भाई नमस्कार, आप भाई यहीं पर रहते हैं यही रहने का आपका ठिकाना है, क्या कुछ ये मामला था कैसे हादसा हुआ और क्या कुछ देखा आपने? एक घंटा पहले हुआ ये ना, बाइक वाले यहाँ से ना स्किट होने के बाद बाइक। अच्छा, यहाँ से स्किट होते हुए वहाँ तक गए तो गलती किसकी मानते हैं आप, किसकी गलती होगी? आप मौके पर ही थे तो आपने देखा है तस्वीरें, क्या कुछ पूरा मामला था क्योंकि आपके आंखों के सामने सारा ये हुआ है हादसा कैसे? गलती किसकी मानते हैं? बाइक वालों की। तो बाइक वाले जब यहाँ पर गाड़ी के साथ बस के साथ टकराव हुआ उनका तो क्या मतलब उस क्या सिचुएशन थी और कैसे उनको बाइक वालों को कितनी देर बाद पहुँचाया गया? वो तो करीब फोन करवाए यहाँ से तो थाने वाले भी आ गए और एम्बुलेंस भी आई। अच्छा, मौके पर पुलिस पहुँच गई थी? कार से फोन किया लड़के ने तो वहाँ से उन्होंने दूसरे या सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस भेजे, ठीक टाइम पे आ गए, ऐसा नहीं था। तो दोनों ठीक थे युवक? दो थे या एक था? बिल्कुल ठीक थे, सांस वगैरह चल रही थी आपकी। बाकी मतलब हेलमेट पहना था उन्होंने? हेलमेट नहीं। तो बिल्कुल बस के नीचे सीधे घुस गए थे वो? बिल्कुल। अभी लोग बाइक दिखाई भी दे रही है, पहले तो बाइक अंदर थी, बिल्कुल अंदर घुस गई थी बाइक। तो ये बाइक बाहर निकाली फिर बाद में? हाँ, थोड़ी सी बैक की गाड़ी में। अच्छा, बस बैक की, उसके बाद फिर बाइक निकाली। तो बिल्कुल दोनों नीचे घुस गए थे दोनों लड़के? बिल्कुल नीचे। तो काफी चोटें निकाले कैसे फिर वो? तो फिर ऐसे ना जैसे बाइक दिखाई दी तो एक के तो टांग बहुत बुरी खिलची हुई थी बीच में। अच्छा, ये साथ से ये और भी थे लोग, उन्होंने सभी ने हेल्प की और निकाले बाहर। तो दोनों युवकों की हालत कैसी है अभी? गंभीर हालत है। क्या लगता है कि दोनों युवक ठीक है बस अभी होंगे? क्या लगता है जबकि आपके सामने हादसा हुआ है, आपने खुद देखा अपनी आंखों से?
हाल तो बहुत नाजुक ही है उनके, नाजुक हालत है। हेलमेट नहीं पहना था तुमने? हेलमेट तो वही, हाँ मतलब हेलमेट पहना तो लगता है कि काफी बचाव हो सकता था। ठीक है, मतलब ओवर स्पीडिंग क्या मामला है ये आपको लगता है? थोड़ा ना ये बाइक वाले जो अपने कैब ठीक कर रहे थे वहाँ पे ना। अच्छा कैब ठीक कैब पहनी हुई थी, कैब जिनके सामने ये हादसा हुआ है उनके द्वारा, उनसे उन्होंने जिनकी आंखों के सामने ये हादसा हुआ है उन्होंने बताया कि जो बाइक चालक थे वे अपनी जो कैप है जो टोपी है उसको सही करते करते उनका संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ने के बाद जो बाइक है बस के नीचे जा घुसी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बाइक बिल्कुल अंदर तक घुस चुकी थी, बाइक जो है बिल्कुल बस के नीचे जा चुकी थी और बस वालों को बोलकर बाइक जो है बाहर को निकाली गई, बस थोड़ी पीछे की गई, बाइक को निकाला गया। और युवक जो है जैसा कि इन्होंने बताया जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो भाई हैं यहाँ पर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि युवक जो है दोनों गंभीर अवस्था में हैं, घायल हैं बहुत ज़्यादा, हेलमेट नहीं पहना था उन्होंने और हेलमेट पहना होता तो काफ़ी ज़्यादा बचाव जो है वह हो सकता था। तो देख सकते हैं बाइक लगभग बस के नीचे जा घुसी है और निशाना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो युवक हैं क्या अवस्था रही होगी उस वक्त जब ये हादसा हुआ है। भाई जो यहाँ पर हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने तो बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ही हादसा होते हुए देखा है और बताया जा रहा है कि ये जो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं यहाँ से बाइक स्लिप होती हुई संतुलन बिगड़ा और यहाँ से स्लिप होती हुई पूरी सीधा यहाँ से सामने से आ रही बस के नीचे जा घुसी जिसके बाद ये हादसा जो है वे पेश आया। तो फिलहाल घायल अवस्था में है, काफी गंभीर अवस्था में है, उनको फिलहाल टांडा मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से टांडा मेडिकल अस्पताल में युवकों को पहुंचाया जा चुका है। और फिर से दो कांगड़ा बाईपास बंगरखड़ के साथ रोड है जहाँ पर हादसा हुआ है और युवक जो है बताया जा रहे हैं गंभीर अवस्था में हैं और काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं, बाइक जो है बस के नीचे जा घुसी थी जिसके बाद हादसा हुआ है। तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, मैं हूं राजीव जसवाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लाइव में, धन्यवाद, जय हिंद।